हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड 5th के अंदर ईवीएस सब्जेक्ट में यूनिट नंबर 7 एक्सपेरिमेंट्स विद वाटर। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि आयशा ने क्या किया, अपने जो टिफिन बॉक्स के ढक्कन के ऊपर 3 ड्रॉप्स रखे, जैसे कि कौन से एक पानी के 2 ड्रॉप्स, फिर शुगर सॉल्यूशन के 2 ड्रॉप्स और ऑयल के 2 ड्रॉप्स रखे। फिर बाद में उसने ढक्कन झुका दिया और फिर उसने देखा कि कौन सा जो ड्रॉप है वो जल्दी नीचे आ रहा है और कौन सा स्लोली नीचे आ रहा है। उसके बाद हमने जो कुछ क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व किए थे। अब नेक्स्ट, उसके बाद हमें क्वेश्चन के आंसर दिए हुए हैं, वो मैं आज सॉल्व करने हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन है कि वेयर डिड द वाटर गो, पानी कहाँ गया वो हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पर है कि वन डे आयशास मदर पुट सम वाटर टू बॉइल ऑन द स्टोव फॉर मेकिंग टी। आयशा की मम्मी ने क्या किया, पानी जो चाय बनाने के लिए गैस जो स्टोव के ऊपर क्या किया, पानी रखा और फिर उसे बॉइल गर्म होने के लिए रखा और फिर वहां पर से वो चले गए। शी गॉट बिजी विद समथिंग एंड फॉरगॉट अबाउट इट, वो कुछ काम में बिजी हो गए और फिर उनको पता ही नहीं रहा कि मैंने पानी गर्म करने के लिए वहां पर रखा हुआ है। When she remembered, उनको जब याद आया एंड केम टू चेक और वो वापस चेक करने के लिए आए। She found very little water left in the pan, तो उनको जो पैन थी उसके अंदर क्या हुआ, उनको थोड़ा सा ही पानी दिखा हुआ बचा हुआ दिखा। अब ये पानी कहाँ गया कहाँ, तो जैसे कि हम एक ऐसे हमारे पास एक पॉट है ये, और उसके अंदर हम क्या करते हैं, नीचे यहाँ पर बर्न करते हैं उसको, स्टोव पे रखते हैं और पानी हमारा इतने तक भरा हुआ है। जैसे ही हम गर्म करेंगे उसको तो यहाँ पर से ऐसे आपको वेपर धुम्मस निकलती हुई नजर आएगी, तो बाष्प निकलती हुई नजर आएगी। तो यह क्या हो रहा है, ये पानी इवोपोरेट हो रहा है, मतलब वहां से पानी निकल रहा है, ये इवोपोरेट के थ्रू पानी उड़ जा रहा है। अब यहाँ पर आप ज्यादा देर तक गर्म करोगे तो यहाँ पर से पानी ये इतने तक था, तो ये पानी लास्ट टाइम इतने तक आ जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पानी जैसे ज्यादा जो गर्म होता है तो इसकी वजह से वहां पर से पानी निकल जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो हमारा वाटर साइकिल है, वाटर साइकिल में कैसे होता है, जैसे कि ये रिवर के अंदर पानी ऐसे ऊपर की तरफ जाता है और फिर वहां से जो क्लाउड होते हैं, क्लाउड के थ्रू क्या होता है, नीचे बारिश में गिरता है। तो ये सन की मदद से होता है, पानी सन के जो किरणें होते हैं वो रिवर के ऊपर पानी के ऊपर पड़ते हैं और वहां पर पानी गर्म होते ही इवोपोरेट हो जाता है, जो बाष्प निकलती है वैसे वेपर निकलती है, वैसे ही ये पानी ऊपर की तरफ चला जाता है, पानी इवोपोरेट मतलब वहां से उड़ जाता है पानी। तो जैसे ही हम गर्म करते हैं पानी को, तो जो हम पॉट के अंदर गर्म करते हैं पानी को, तो वहां पर से ज्यादातर देर तक गर्म हो जाएगा पानी, तो वहां पर से इवोपोरेट हो जाएगा मतलब उड़ जाएगा पानी। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा है कि थिंक वेयर डिड वाटर गो, सोचना है कि जो पानी था वो कहाँ गया। तो हम लिखेंगे द वाटर इवोपोरेटेड एंड टर्न इंटू वेपर, लिखेंगे फर्स्ट का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि द वाटर पानी उड़ गया एंड कैसे उड़ा, तो टर्न इंटू वेपर, तो टर्न इंटू अ वेपर मतलब एक बाष्प की मदद से पानी वहां पे से उड़ गया मतलब चला गया। तो यहाँ पर है पहले इवोपोरेट उड़ जाता है, तो उड़ जाना पानी, वहां पर से आपको एक वेपर निकलती हुई दिखाई देगी, जो बाष्प निकलती हुई नजर आएगी, और वैसे ही तो वो जो बाष्प निकलती है वो पानी की होती है, पर वो पानी उसके फॉर्म में आ जाता है और फिर वहां से उड़ जाती है, तो एंड टर्न इनटू अ वेपर, तो वेपर में टर्न हो गए, चेंजेस टर्न मतलब चेंजेस, तो वेपर में वो चेंजेस हो गए, तो जो बाष्प निकलती है उसमें वो चेंजेस हो गए, पानी वहां से इवोपोरेट मतलब उड़ गया। ये लिख दो फर्स्ट का आंसर। सेकंड में दिया हुआ है व्हाई डिड चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू कीप देयर मैंगो जेली इन द सन। अब चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू, ये वाला क्वेश्चन हमें कौन से यूनिट में आया था, तो आपको याद होगा कि यूनिट नंबर 4 के अंदर जो मैंगोस राउंड द ईयर हमने पढ़ा था, तो वहां पर जो आम पापड़ बना रहे थे ये चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू, तो वहां पर आम पापड़ बना रहे थे उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन।
क्वेश्चन आया है कि क्या पूछा है कि चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू जो कीप देयर मैंगो जेली इन द जो मैंगो जेली थी वो क्यों धूप में रखते थे, तो वो क्यों रखते थे, क्योंकि मैंगो जेली के अंदर से पानी पूरा निकल जाए इसीलिए वो धूप में रखते थे, क्योंकि धूप में रखेंगे तो गर्म होगी और गर्म होने के बाद वहां पर से पानी उड़ जाएगा, इसीलिए वो क्या करते थे, धूप में रखते थे। तो सेकंड आंसर हमारा यहाँ पर कि दे कीप देयर मैंगो जेली इन द सन in the sun so that इसीलिए क्या हो रहा, so that क्या होगा, इसकी वजह से the water from the jelly would evaporate, the water from the jelly would evaporate. पानी पूरा निकल जाए इसीलिए वो ऐसा करते थे। तो यहां पर है कि they keep their mango jelly in the sun, तो वो इसलिए रखते थे जो mango jelly है वो धूप में इसलिए रखते थे सो दैट द वाटर फ्रॉम द जेली कुड इवेपोरेट, मतलब जो जेली के अंदर पानी है वो पूरा उड़ जाए, इसीलिए वो क्या करते थे, जेली को सन के नीचे रखते थे। तो ये बच्चों इसका आंसर आप लिख लो। उसके बाद थर्ड में हमें दिया हुआ है एट योर हाउस, आपके घर की बात बोलिए, व्हाट थिंग्स आर मेड बाय ड्राइंग इन द सन, तो आपके घर में सन के जो व्हाट थिंग्स है, कौन सी चीजें जो सन के नीचे सुखाई जाती है, मतलब जो सूरज सन का जो लाइट पड़ती है उसके नीचे कौन सी चीजें सुखाई जाती है, जैसे कि कोई पीकल सुखाता है और दूसरे जैसे बहुत सारे चिप्स पोटेटो चिप्स पापड़ है पिकल्स है साबुदाना पापड़ है वो सब सुखाते हैं, तो यहाँ पर हम हमारा आंसर लिखेंगे कि क्या सुखाते हैं, तो यहाँ पर है फॉरेन आइटम्स आर मेड इन आवर हाउस बाय ड्राइंग इन द सन, थर्ड का हमारा आंसर है फॉरेन आइटम our house by being जैसे कि मैं बोलता हूं तो पोटेटो चिप्स है जैसे कि पिकल्स है पिकल्स है फिर बाद में जो पापड़ है वो पापड़ है दूसरा भी आपके घर में होगा एंड साबुदाना पापड़ तो साबुदाना के जो पापड़ है वो साबुदाना के पापड़ है वो भी सुखाई जाते हैं एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो आप सुखाते हैं, तो जैसे कि पोटेटो चिप्स पिकल्स पापड़ साबुदाना पापड़ ये सब हम सुखाते हैं, तो बच्चों इसका आंसर भी आप लिख दो। नेक्स्ट उसके बाद हमें दिया हुआ है आप सब जानते हैं डांडी की यात्रा क्यों की गई थी, तो जैसे कि ब्रिटिश
ब्रिटिश सरकार थी, हम जब इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे, स्वतंत्र नहीं हुए थे, उसके पहले ये दांडी की यात्रा गांधी जी ने करवाई थी। अब ये क्यों करवाई थी? तो जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर जो सी समुद्र के अंदर से लोग नमक बनाते, सॉल्ट प्रोड्यूस करते थे, तो उसके ऊपर टैक्स जो ब्रिटिश सरकार ने बढ़ा दिया था, इसकी वजह से दांडी की यात्रा करनी पड़ी थी। क्योंकि ये तो सबके लिए सेम है, क्योंकि वहाँ पर सबको नेचर में से मिलता है, इसके लिए नेचर में से मिलता है, तो क्या करते हैं लोग उसको निकालते थे, प्रोड्यूस करते थे और फिर उसका यूज करते थे। बट इसका यूज करने पर भी सरकार ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया, इसके लिए दांडी की यात्रा की गई थी। अब क्यों की गई थी, कैसे की गई थी, हम ये यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर एक दांडी मार्च, दिस इंसिडेंट्स टू प्लेस इन 1930, ये अच्छा कब हुआ था, 1930 को हुआ था, बिफोर इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट, मतलब स्वतंत्र नहीं हुआ था इंडिया, उसके पहले हुआ था। तो इंडिया स्वतंत्र कब हुआ था, 1947 में। फॉर मेनी इयर्स द ब्रिटिश हैड मेड अ लॉ दैट डिड नॉट अलाउ पीपल टू मेक सॉल्ट देमसेल्व्स, मतलब जो ब्रिटिश सरकार उन्होंने रूल्स बनाए थे, ब्रिटिश जो ने रूल्स बनाए थे कुछ बहुत साल तक रूल्स बनाया था कि कोई भी इंसान अपने लिए जो सॉल्ट है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अब आगे बोला है कि दे हैड ऑल्सो पुट अ हैवी टैक्स ऑन सॉल्ट, उन्होंने क्या किया था, जो सॉल्ट पे बहुत सारा टैक्स भी लगा दिया था। बाय दिस लॉ पीपल कुड नॉट मेक सॉल्ट इवन फॉर यूज एट होम, ये लॉ की वजह से, ये रूल्स की वजह से तो लोग अपने घर के लिए, घर के यूज के लिए भी नमक मतलब सॉल्ट नहीं बना सकते थे। क्यों? तो यहां पर है, हाउ कैन एनीबॉडी लिव विदाउट सॉल्ट, कोई भी इंसान सॉल्ट के बिना कैसे जी सकता है। गांधी जी ने कहा, हाउ कैन अ लॉ नॉट अलाउ अस टू यूज फ्रीली व्हाट नेचर हैज गिवन, तो जो नेचर हमें दे रहा है उसके लिए तो हमें कोई रूल्स या फिर लो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सॉल्ट है वो हमें समुद्र के अंदर से नेचुरली मिल रहा है, तो वो उसके लिए कोई भी टैक्स या फिर लो नहीं होना चाहिए। तो आगे बोला कि गांधी जी विद सेवरल अदर पीपल वेंट ऑन ए यात्रा लॉन्ग वॉक, तो गांधी जी और दूसरे जो लोग थे वो सब साथ में गए लंबी, वहां पर से वो दांडी के लिए निकले, गांधी जी थे और भी साथ में बहुत सारे लोग भी थे। अब आगे बोला है, वेंट ऑन अ यात्रा लॉन्ग वॉक फ्रॉम अहमदाबाद टू दांडी शिशोर इन गुजरात, वो सब लोगों को इकट्ठा किया और फिर सब लोग अहमदाबाद से दांडी तक, क्योंकि वहां पर दांडी में सबसे ज्यादा नमक का प्रोडक्शन होता है, तो वहां तक वो लोग चलते गए और फिर वहां पर जाकर उन्होंने रूल्स तोड़ा कि ये वाला लो है हम लोग हाथ से तोड़ रहे हैं। शिशोर इन गुजरात, गुजरात के अंदर ही यहाँ पर जो दांडी का जो दरिया किनारा वहां पर वो गए, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस लो, तो ये लोग को प्रोटेस्ट करने के लिए वो वहां पर गए। तो ऐसे हमारी दांडी यात्रा हुई थी। आप भी हिस्ट्री के अंदर जानते होंगे कि दांडी यात्रा कैसे हुई थी। अब यहाँ पर हमने नीचे बोला है, डू यू नो हाउ सॉल्ट इज मेड, क्या आप जानते हैं कि सॉल्ट कैसे बनता है, तो ये हमें फाइंड करना है कि सॉल्ट कैसे बनता है। तो ये कैसे बनता है, हमें नीचे दिया हुआ है इस बॉक्स में कि द सी वाटर इज कलेक्टेड इन शैलो बेड्स डग इन द सैंड, वो क्या करते हैं, जो समुद्र का पानी है वो एक जगह पर इकट्ठा करते हैं और एक गड्ढा पहले खोदते हैं और वहां पर इकट्ठा करते हैं और फिर वहां पर से क्या करते हैं, वाटर इज अलाउड टू ड्राई इन द सन, वो क्या करते हैं, पानी जो है उसको सूखने देते हैं, जो गड्ढा किया हुआ है उसके अंदर से पानी सूखने देते हैं। आफ्टर द वाटर ड्राइज, तो पानी जब सूख जाता है, द सॉल्ट रिमेन्स ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड पे क्या बचता है, ओनली जो सॉल्ट है वो बचता है। तो सॉल्ट ऐसे प्रोड्यूस होता है, जैसे कि समुद्र के अंदर से एक गड्ढा करके वहां पर से पानी यहाँ पर डाला जाता है, गड्ढा बनाया जाता है और फिर उसके बाद पानी उसको धूप में सुखाया जाता है, जब वो पानी पूरा इवोपोरेट मतलब उड़ जाता है और उसके बाद वहाँ पर से पूरा सिर्फ ओनली नमक ही सॉल्ट ही रहता है। तो जो सॉल्ट है वो इस तरह से बनता है, ये आपको भी अब पता चला है कि सॉल्ट किस तरह बनता है। अब नेक्स्ट हमें लिया हुआ लास्ट में व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या सीखा वो हमें बताना है। तो यहाँ पर है, यू हैव वॉश्ड योर हैंडकरचीफ एंड यू वॉन्ट टू ड्राई इट क्विकली,
आपको अगर आपने अपना जो हैंकरचीफ है, हाथ रुमाल हम बोलते हैं गुजराती में, तो अपना हैंकरचीफ है वो आपने वॉश किया एंड यू वॉन्ट टू ड्राई क्विकली, अगर आपको जल्दी से उसे सुखाना है तो वॉट ऑल कैन यू डू, तो आप क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, जैसे कि मैंने हैंकरचीफ धोया उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हम जहां पर कपड़े सुखाते हैं वहां पर हम लगा देंगे, तो वो क्या होगा, ड्राई होगा, ड्राई होगा धूप की वजह से ड्राई हो जाएगा, फिर उसके बाद हम उसके ऊपर आयरन प्रेस कर देंगे तो वो जल्दी से ड्राई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैसे करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीच, यहाँ पर वर्ड्स आएगा स्पीच, तो वर्ड स्पीच का मतलब है निचोड़ देना, तो यहाँ पर है कि आई विल स्पीच द वॉटर आउट ऑफ द हैंडकरचीफ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्पीच द वॉटर वॉटर आउट ऑफ द हैंडकरचीफ ऑफ द हैंडकरचीफ, जो हैंडकरचीफ में से पहले क्या करेंगे हम लोग, पानी निकाल देंगे, उसके बाद देन आई विल स्प्रेड द हैंडकरचीफ ऑन अ क्लोथ लाइन, देन आई विल स्प्रेड मतलब फैला देना, जहां पर मैंने क्लोथ सुखाए वहां पर ही मैं इसको सुखा दूंगा, तब तो लेना इन द सन, तो इन द सन धूप में मैं सुखा दूंगा, उसके बाद की बात बोलिए, आई कैन ऑल्सो यूज अ हॉट इलेक्ट्रिक आयरन, आई कैन ऑल्सो यूज अ हॉट इलेक्ट्रिक टू ड्राई द हैंडकरचीफ, टू ड्राई द हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ को ड्राई करने के लिए मैं उसे सुखा भी दूंगा। तो यहां पर कैसे कि आई विल स्क्वीज द वॉटर आउट ऑफ द हैंडकरचीफ, तो पहले सबसे पहले धोऊंगा और भी उसे वॉश करने के बाद उसके ऊपर से निचोड़ के पानी निकाल दूंगा, then I will spread the handkerchief on the cloth line, जो क्लोथ की लाइन जहां पर है वहां पर मैं हैंडकरचीफ को स्प्रेड आउट कर लूंगा, इन द सन धूप के नीचे, आई कैन ऑल्सो यूज अ क्या करेंगे, आई कैन ऑल्सो यूज अ हॉट इलेक्ट्रिक आयरन टू ड्राई द हैंडकरचीफ, और उसके बाद हॉट इलेक्ट्रिक आयरन होती है वो यूज करके मैं वहां पर से प्रेस करके वहां पर से मैं इसको सूखा दूंगा। तो बच्चों इसका आंसर आप लिख दो, नेक्स्ट उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट थिंग्स डू यू पुट इन वाटर टू मेक टी, अब आपको पूछा है कि व्हाट थिंग्स डू यू पुट इन वाटर टू मेक टी, कि आप चाय बनाने के लिए व्हाट थिंग्स डू यू पुट इन वाटर टू मेक टी, पानी के अंदर चाय बनाने के लिए पानी के अंदर क्या क्या डालते हैं, कौन सी चीजें डालते हैं वो पूछा है, विच ऑफ दोज थिंग्स डिजोल्व इन वाटर, ये जो चीज आप डालते हैं उसमें से पानी के अंदर डिजोल्व कौन सी चीज होती है, तो डिजोल्व का मीनिंग मैंने आपको बोला था, जैसे कि पानी के अंदर हम सॉल्ट डालते हैं तो वो पूरा वहां पर से सॉल्ट दिखाई नहीं देता, वो क्या होता है डिजोल्व हो जाता है, तो यहाँ पर बोला है कि चाय बनाने के लिए आप पानी के अंदर कौन सी चीजें डालते हो और वो चीजों में से कौन सा जो डिजोल्व है क्या डिजोल्व है वो हमें फाइंड करना है। तो जैसे कि हम चाय बनाने के लिए क्या क्या डालते हैं, जैसे कि मैं डाल रहा हूँ शुगर मिल्क एंड टी लीव्स इन वाटर, जो चाय पत्ती होती है वो हम डालते हैं, तो शुगर एंड मिल्क डिजोल्व इन वाटर, तो क्या कहते हैं जो पानी और दूध है वो डिजोल्व हो जाता है वाटर के अंदर। तो यहां पर हम लिखेंगे फॉर मेकिंग टी
चाय बनाने के लिए। अब क्या करते हैं यहाँ पर चाय बनाने के लिए, तो क्या करते हैं हम लोग, आई पुट शुगर शुगर, फिर दूसरा मिल्क एंड टी चाय पत्ती, चाय के जो पत्ते होते हैं वो वाटर पानी में डालता हूँ। अब कौन सा डिजर्व होता है, तो शुगर एंड मिल्क डिजॉल्व इन वाटर, तो पानी के अंदर वो डिजॉल्व हो जाते हैं। क्या क्या डिजॉल्व हो जाते हैं, तो शुगर एंड वाटर। तो यहां पर है कि फॉर मेकिंग टी, चाय बनाने के लिए आई पुट शुगर मिल्क एंड टी लीव्स इन वाटर, मैं पानी के अंदर शुगर फिर मिल्क और टी लीव्स डालता हूं। शुगर एंड मिल्क इज डिजॉल्व इन वाटर, जो शुगर है और मिल्क है वो पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाता है। तो आप लिख दो नेक्स्ट। उसके बाद दिया हुआ है कि यू हैव बीन गिवन सम मिश्री पीसेस, तो आपको कुछ मिश्री के पीस दिए जाएंगे, लम्स ऑफ शुगर, शुगर के जो बड़े बड़े पीस आते हैं वो आपको दिए जाएंगे। सजेस्ट सम वेज टू डिसॉल्व देम क्विकली, आपको सजेशन करना है, सजेस्ट करना है कि उसको जल्दी से डिसॉल्व करने के लिए क्या करोगे। तो क्या करेंगे, जैसे कि पानी का डाल के ज्यादा बार हम मिलाएंगे तो वो क्या होगा, पूरा डिसॉल्व हो जाएगा। उसके बाद है कि उसको पाउडर फॉर्म में अगर कर देते हैं तो वो जल्दी से डिजॉल्व हो जाता है। फिर बाद में अगर गर्म करते हैं, पानी में डाल के गर्म करते हैं, तो भी वो डिजॉल्व जल्दी से हो जाता है। तो हम यहां पर हमारा लिखेंगे कि फॉलो दिस स्टेप्स फॉलो करना है टू डिसॉल्व द मिश्री पीस क्विकली। मिश्री के जो पीस होते हैं वो क्विकली डिसॉल्व करने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। अब क्या यूज करते हैं, जैसे कि मैंने बोला था क्या क्या, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज करेंगे जैसे कि जो पीस है उसको हम पाउडर फॉर्म में बनाएंगे, तो क्रश द मिश्री पीसेस इनटू फाइन पाउडर, क्रश द मिश्री पीसेस इनटू फाइन पाउडर, मतलब एक पाउडर के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दो, पहले पाउडर फॉर्म बना दो और फिर पानी में डाल दो तो जल्दी से डिसॉल्व हो जाएगा। उसके बाद पुट इन वाटर एंड स्टीर रफली, पुट इन वाटर एंड स्टीर, उसको क्या करना है रफली, बहुत जोर से उसको हिलाना है, पानी के अंदर डाल के हिलाना है बहुत जोर से, तो वो जल्दी से क्या होगा डिसॉल्व हो जाएगा। उसके बाद में दिया हुआ है यू कैन ऑल्सो वार्म द मिक्सचर ऑन द फ्लेम, यू कैन ऑल्सो वार्म, वार्म मतलब गर्म करना, वार्म द मिक्सचर ऑफ मिक्सचर ऑन अ फ्लेम, मतलब बर्नर भी आप क्या कर सकते हो, उसको थोड़ा सा हल्का सा गर्म कर सकते हो और फिर वहां पर से वो पूरी तरह डिजॉल्व हो जाए। तो यहां पर क्या, फॉलो दी स्टेप्स टू डिजॉल्व द मिसिस सॉरी मिश्री पीस क्विकली, मिश्री के जो पीस होते हैं उसको जल्दी से डिजॉल्व करने के लिए ये स्टेप है, जैसे कि क्रश द मिश्री पीसेस इनटू फाइन पाउडर, तो पाउडर के फॉर्म में कर दो मिश्री के पीसेस है उसको, फिर पुट इन वाटर एंड स्टीर रफली, आपको क्या करना है पानी के अंदर डालना है और फिर जोर से हिलाना
है. यू कैन ऑल्सो वार्म द मिक्सचर ऑन अ फ्लेम. तो आप जो मिक्सचर है उसको फ्लेम के ऊपर गर्म भी कर सकते हैं. तो बच्चों इसका आंसर आप लिख दो. तो बच्चों हमने यहाँ तक देखा, हमारा यूनिट आज फिनिश होता है. आप मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन के आंसर लिखवाए वो सब आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखने. नेक्स्ट अगले वीडियो में हम नए यूनिट के साथ मिलेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.